एक तो देश में अब भी रोजाना 1 करोड़ वैक्सीन का टारगेट हासिल नहीं किया जा सका है, दूसरी तरफ वैक्सीन को लेकर वहम और बहाने भी जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। बिहार के ऐसे ही एक इलाके से हमारे संवाददाता सुजीत कुमार झा की ये रिपोर्ट देखिए। इस साल के दिसंबर तक 6 करोड़ वैक्सीन बिहार सरकार को देना है और ये लक्ष्य रखा गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में घूमने पर यह पता चलता है कि बहुत सारे लोग अभी वैक्सीन नहीं ले रहे हैं या उन्हें किसी प्रकार की शंका है। हम मौजूद हैं कटिहार के देवीपुर गांव में और ये 20 नंबर वार्ड है। हमारे साथ वार्ड कमिश्नर सदस्य हैं यहाँ पर अनवर। अनवर जी, ये बताइए कि हमें सूचना मिली है इस वार्ड में जो 930 जो लोग हैं उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया, एक भी आदमी ने नहीं लिया, क्या वजह है बताइए। वैक्सीन लेंगे सर, सभी आदमी लेंगे, कुछ हवा है कि मर जाता है, बीमार हो जाता है, फिर उसको तैयार करेंगे, दिलाएंगे वैक्सीन। आप तैयार कर रहे हैं? जी करेंगे तैयार। आपने लिया है? नहीं, हम तो सर नहीं लिए हैं अभी। वो डायबिटीज है, इसके लेकर के कुछ डॉक्टर से सलाह लिए थे तो बोला कि आपको थोड़ा तकलीफ ज्यादा हो जाएगा। आपने वैक्सीन लिया है? नहीं, क्यों? कहता है सभी लोग की मर जाता है सुई लेने से। मर जाता है? हाँ, बहुत सारा लोग ले रहा है तो बहुत सारी मर भी रहा है सर। मर रहा है? कहाँ मर रहा है? बहुत बिहार में मर रहा है, शहर में मर रहा है। अच्छा, नहीं लेने पर क्या होगा? नहीं लेने पर तो ऊपर वाला मारना है तो मारेगा, जिलाना है जिएंगे। हम लोग हर घर में जा करके आशा के मार्फत और जीविका दीदी और आंगनवाड़ी दीदी सभी लोग जो है घूम रहे हैं, घर घर घूम रहे हैं और सभी लोग जाके बता रहे हैं कि ये लेना है और ये अच्छी है, ये दवाई से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, आप लोग लीजिए, विश्वास करिए। लेकिन ये लोग है कि थोड़ा सा ये लोग झिझक रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अब जो है हवा बदल रही है और लोगों का कहना है कि अब लेंगे। हाँ जी, मुखिया सरपंच इनके द्वारा जो लोगों के बीच में या BDO और CEO इनके द्वारा जो बीच में आ करके एक कैंप लगा करके लोगों के बीच में यह करना चाहिए था वह नहीं हुआ।